दोस्तों, अभी अपने देश में दो तरह के लोग रहते हैं। एक वे हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को एक गैंगस्टर मानते हैं, वहीं एक धारा ऐसा भी है जो यह मानता है कि वह चुन चुन कर खालिस्तानियों को मार रहा है, इसलिए वह एक हीरो है। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक फिलॉसफी की बात बताते हैं। जब सही और गलत में से चुनना होगा तो हम निश्चित रूप से ही सही को चुनेंगे, वहीं जब दो गलत में से किसी एक को चुनना होगा तो हमारी समस्या बढ़ जाएगी और उस फैसले का निश्चित रूप से ही कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि गलत तो गलत होता है। अभी के समय में लॉरेंस बिश्नोई के साथ एक्चुअल में यही हो रहा है। किसी का कहना है कि वह खालिस्तानियों का दुश्मन है, तो किसी का कहना है कि जब वह खालिस्तानी का दुश्मन है तो खालिस्तानी आतंकी भिंडरा वाले की तस्वीर लगी टी शर्ट पहनकर वह कोर्ट में क्यों आता था। इसलिए यह डिस्कस लंबी हो जाती है कि क्या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई एक हीरो है या एक विलन। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ चौंकाने वाली बात बताते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप मेजर गौरव आर्या का यह स्टेटमेंट सुनिए जो वह लॉरेंस बिश्नोई के बारे में दे रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई को मैं आपको बात बता दूं, आज मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप लॉरेंस बिश्नोई को सिर्फ एक टारगेट दें कि तो मैं खालिस्तानी बहुत बोल रहे हैं, जरा इनको टाइट करो। एक बार लॉरेंस बिश्नोई को आपने बोल दिया कि इनको ठिकाने लगाना जरा, ये सब के सब चुप हो जाएंगे, पीस हो जाएगा बिल्कुल अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। लॉरेंस बिश्नोई के जो अटैक हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे ये, अरे अटैक ये अपने बिल के अंदर घुस जाएंगे। खालिस्तानी इतना डरते हैं लॉरेंस बिश्नोई से, दे आर सो स्केर्ड ऑफ हिम। मतलब इनका बाप है, बाप इनका दद्दू है वो, चलिए। अब आप यह सोच रहे होंगे कि मेजर गौरव आर्या जैसे जिम्मेदार व्यक्ति जब इस तरह की बात कर रहे हैं तो जरूर ही इसमें सच्चाई होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर सारे खालिस्तानी ही नहीं आते हैं, बल्कि यह एक संजोग मात्र है कि जो भी बिश्नोई गैंग का दुश्मन है वह इत्तफाक से खालिस्तानी समर्थक है। हम आपको ये बात क्यों बता रहे हैं तो आप वीडियो को आराम से देखिए, आपको सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, जब लॉरेंस बिश्नोई ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था तब वह कॉलेज पॉलिटिक्स और लोकल गैंग वॉर तक ही खुद को सीमित रखा था। जब वह जेल गया तब वहां से उसकी असली आपराधिक जिंदगी की शुरुआत हुई। जब बिश्नोई दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था तो वहीं पर उसकी मुलाकात दिल्ली NCR, राजस्थान, हरियाणा और UP के बड़े माफियाओं से हुई। यहीं से बिश्नोई अपना नेटवर्क बनाने लगा और कुछ ही सालों के भीतर जेल में रहते हुए ही वह एक कुख्यात बन गया। बिश्नोई ने जेल के अंदर ही ऐसी सेटिंग की कि उसे कभी जेल से बाहर निकलने की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। चाहे किसी की सुपारी लेनी हो या फिर मॉडर्न हथियारों की स्मगलिंग करवाना हो, बिश्नोई को किसी भी काम के लिए जेल से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी। इस काम के लिए उसके पास जेल के बाहर आदमी रहता था। बिश्नोई ने अपने दिमाग का ऐसा इस्तेमाल किया था कि उसके गुड़गे उसके एक ही इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते थे। जेल से बाहर बिश्नोई ने हमेशा ही अपने खास लोग बैठाए। गोल्डी बराड से शुरू हुआ यह सिलसिला आज संपत नेहरा पर आकर टिका हुआ है। जब लॉरेंस बिश्नोई अपना आपराधिक साम्राज्य बढ़ाने लगा तो उसके दुश्मन भी बढ़ते चले गए और यहीं से गैंग वॉर की शुरुआत हुई। अब हुआ ये कि लॉरेंस बिश्नोई तो खुद जेल में रहा और उसके जितने भी विरोधी थे वह बाहर से अपने अपने गैंग्स को ऑपरेट कर रहे थे। इसी में एक था बम्बीहा ग्रुप। इस बम्बीहा ग्रुप का सरगना था दविंदर बम्बीहा। दविंदर बम्बीहा ने 21 साल की उम्र में जेल से भागकर अपना एक गैंग बना लिया था। वह करीब आधा दर्जन हत्या के मामलों में नामजद था और उस पर मर्डर की कोशिश, लूट, स्नैचिंग और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। दविंदर बम्बीहा का खौफ 2012 से लेकर 2016 तक चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ था। वह सोशल मीडिया पर अपनी आपराधिक गतिविधियों को अपडेट करता और कई बार पंजाब पुलिस को भी वह चुनौती दे चुका था। इसके बाद होता ये है कि 9 सितंबर 2016 को दविंदर बम्बीहा पंजाब में भटिंडा के पास पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है। इसके बाद पुलिस को लगता है कि अब इस गैंग का सफाया हो चुका है, लेकिन बम्बीहा के आधा दर्जन से अधिक ऐसे सहयोगी और दोस्त थे जिन्होंने उसकी गैंग को सक्रिय रखा और संयोग से इनमें से ज़्यादातर कनाडा में बैठे हुए थे।
क्योंकि ये सारे गैंगस्टर पंजाब से थे, इसलिए कनाडा में रहते हुए इन लोगों को वहां के उन सिख संगठनों का ज्यादा साथ मिला जो खालिस्तानी समर्थक थे और भारत के खिलाफ आवाज उठाते रहते थे। इन गैंगस्टर्स के अब खालिस्तानी संगठनों में शामिल होने के बाद हौसले बुलंद हो चुके थे। शुरुआत में इन गैंगस्टर्स को बस अपने गैंग और गैंग वॉर से मतलब होता था, देश विरोधी बात कभी होती ही नहीं थी। लेकिन फिर जैसे जैसे इन गैंगस्टर्स के ऊपर खालिस्तानी विचारधारा का रंग चढ़ने लगा, वैसे वैसे वह भारत से नफरत करने लगा। यहां पर उन लोगों का मोटिव खालिस्तान नहीं बल्कि खुद की फंडिंग और सिक्योरिटी थी। इसके बाद अब लॉरेंस बिश्नोई के जो जो दुश्मन कनाडा में बैठे हुए थे वे मैक्सिमम खालिस्तानी हो चुके थे और इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई जब भी गैंग वॉर में किसी विरोधी को मारने की जिम्मेदारी लेता तो वह बाय डिफॉल्ट ही खालिस्तानी निकलकर सामने आता। इसीलिए हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को खालिस्तानियों से दुश्मनी है, क्योंकि कुछ साल पहले तक जब भी लॉरेंस कोर्ट में पेशी के लिए आता था तो वह खालिस्तानी आतंकी भिंडरावाले की तस्वीर लगी टी-शर्ट पहनकर आता था। हालांकि पिछले दिनों हुए एक इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि वह देश विरोधी ताकतों के साथ कभी खड़ा नहीं होगा, लेकिन वहीं एक रिपोर्ट यह भी बता रहा है कि उसके गैंग का कनेक्शन दाऊद के डी कंपनी के साथ भी हो रहा है। इसीलिए किसी को भी हीरो या विलन बनाने से पहले उसके बारे में सही से जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये अच्छी बात है कि आप गलत का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उससे भी जरूरी बात आपके लिए यह है कि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। पिछले दिनों एक और खबर सामने आई है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एक विशेष अदालत में आवेदन दायर कर NIA को यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि पुलिस और अदालती कागजात में उसके लिए ठोस सबूत के बिना आतंकवादी और गैंगस्टर जैसे शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए। बिश्नोई मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले में अभी फिलहाल गुजरात के अहमदाबाद के एक जेल में बंद है। इस मामले की जांच NIA कर रही है। विशेष न्यायाधीश KM सुजित्रा की अदालत ने मामले में NIA से जवाब मांगा और इसे अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी याचिका में यह कहा है कि वह लगभग 10 वर्षों से सलाखों के पीछे है और विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा विभिन्न मामलों में उसे लगातार गलत तरीके से फंसाया गया है। उस याचिका में कहा गया है कि एक आरोपी के रूप में मेरे अधिकारों को किसी भी संबंधित अदालत के समक्ष सम्मानजनक नहीं माना गया है और मुझे एक गैंगस्टर की उपाधि दी गई है और अब हाल ही में मुझे एक आतंकवादी की उपाधि भी दी गई है। बिश्नोई ने कहा कि उसे किसी के द्वारा आतंकवादी या गैंगस्टर के रूप में संबोधित किए जाने पर कड़ी आपत्ति है। लॉरेंस बिश्नोई ने यह भी कहा कि वह अपनी मातृभूमि भारत से प्यार करता है और उसे अगर न्याय मिला तो वह देश के लिए जिएगा और देश के लिए ही मरेगा। अब इतनी सारी बातें बताने के बाद उम्मीद है कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। वैसे आप लॉरेंस बिश्नोई को किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और जरूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोज़ के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।